सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमारे पास Realme 13 Pro Plus 5G है। दोस्तों आपके पास भी Realme 13 Pro Plus 5G है तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक की सेटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग को ओपन करना है। जैसे दोस्तों सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा डिवाइस अनलॉक। तो आपको डिवाइस अनलॉक पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों स्क्रीन लॉक और यहाँ पे नीचे देखेंगे दोस्तों लिखा है फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक। तो आपको फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको एग्री करना है। जैसे दोस्तों एग्री करेंगे उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे पहले आप अपना कोई भी स्क्रीन लॉक बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों नंबरिंग है, अल्फाबेटिकल है, पैटर्न है, कोई भी आपको बनाना है वो बना लेंगे। जैसे कि दोस्तों नंबरिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको 5 सेकंड वेट करना है। जैसे दोस्तों आपके 5 सेकंड पूरे हो गए उसके बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे दोस्तों कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपना कोई भी यहाँ पे बना लेंगे। जैसे दोस्तों आप पैटर्न या पेन कुछ भी बनाते हो बना लेंगे। अब यहाँ पे एक तरीके का बनाया है, आप किसी भी प्रकार का आप अपने हिसाब से बनाएंगे। जैसे दोस्तों बनाएंगे, अब यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे दोस्तों ओके करेंगे, अब यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे इस तरीके से लॉक अपना फिंगर लगाना है। जिस लॉक को उसी तरीके से आपको इसी प्रकार से बारी बारी से आराम से आपको लगा देना है, इस तरीके से जब तक ये आपका पूरा शो नहीं हो जाता। जैसे दोस्तों आपका ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे भी आपको बारी बारी से हटा हटा करके इस तरीके से लगाना है। जैसे दोस्तों आपको पूरा हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन आएगा तो आपको डन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों डन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे। जैसे दोस्तों कैंसिल करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने ऐप लॉक पे इसे लगाना चाहते हैं तो ऑन कर लेंगे, प्राइवेट सेट पे लगाना चाहते हैं उस पर भी ऑन कर लेंगे, जिस पर आपको फिंगरप्रिंट अपना लगाना है उसे आप ऑन कर देंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हम आपको बैक आएंगे और बैक आने के बाद में स्क्रीन को लॉक करेंगे। स्क्रीन लॉक होने के बाद में जैसे दोस्तों हम यहाँ पे अपना फिंगर लगाएंगे तो हमारा डिवाइस अनलॉक हो जाएगा।